मैं मानता हूँ ये कोई वहम नहीं है ना कोई बीमारी है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि ये सब भूत ने किए। हाँ दादी जी, चुप रहो यार, ये ज्ञान पीढ़ी जलाना बंद करो, सब तरफ से धुआं निकाल देंगे हम। ठीक है दादी जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। गौरी तुम दादी जी के साथ रहो, हम दवाई लेकर आते। चलिए। अब कितना पीड़ा रे। दादी जी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता अगर हम पकड़े जाते तो। सॉरी दीदी, तुम्हें यहां दादी जी का डर और बढ़ाने के लिए रखा गया है ना। अगर तुम ऐसी बेवकूफियां करोगी ना तो पूरा प्लान स्पॉइल हो जाएगा। आइंदा से ऐसी गलती की ना तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, आपसे हम एकदम सावधान रहेंगे, कसम से। पक्का? हाँ। युग, कॉफी। डॉक्टर अंकल को फोन किया। कलीब, तुम फिर से वही बात शुरू मत करो। देखा ना दादी ने डॉक्टर को देख के कैसे रिएक्ट किया था। योग, हम साइकियाट्रिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल डॉक्टर की बात कर रहे हैं। जब हम दादी जी को दवाई लगा रहे थे तो ऐसा फील हुआ कि जो चोट उन्हें लगी है वो किसी कील या उस जैसी चीज की वजह से लगी है। इसीलिए कह रहे टेटनेस का इंजेक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है। ये दादी का मामला ना दिन ब दिन पेचीदा ही होता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हो ना हो कोई जरूर है इसके पीछे। अब मैं बोलूंगा तो तुम मानोगी तो हो नहीं, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे गौरी है। आप हर बात में गौरी को बीच में क्यों लेकर आते, वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है। क्रिमिनल नहीं है पर उसका दिमाग क्रिमिनल जैसा है। पर गौरी तो इस घर में कल ही आई है और दादी जी के साथ ये सब गड़बड़े बहुत पहले से हो रही है। तुम उसे अंडर एस्टिमेट मत करो कली, वो बहुत श्रूड लड़की है, वो घर के बाहर रहकर भी ये सब चीजें कर सकती है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि इस सब के पीछे गौरी है। सॉरी पर हम आपकी बात नहीं मान सकते। हमें लगता है आप हमारी बहन पर बेवजह शक कर रहे हैं उसके पास्ट की वजह से। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुमने एक बार फिर अपनी आंखों में पट्टी बांध दी। आप क्यों जा रहे हैं, आपका कमरा है, हम ही चले जाते। कब समझोगे कली कि हर कोई दुनिया में तुम्हारी तरह सीधा नहीं होता। हे राम जी, हमने भी 14 साल का वनवास काटा, फिर हमें हमारे आचार्य जी मिले। अब लग रहा था कि हमारी खुशियां वापस लौट रही हैं, लेकिन वो भी हमसे छीनी जा रही हैं। आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन आचार्य जी ने हमें एक बार देखा भी नहीं, हमसे बात भी नहीं की। हमारी मदद कीजिए राम जी, हमें इस दुविधा से निकालिए। आचार्य जी, thank you.
शादी की सालगिरह मुबारक हो आचार्य जी। आप कुछ नहीं कहेंगे? जो कहना था वो कह चुके हम, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अब कुछ भी कहने की जरूरत महसूस नहीं करते हम। चलते हैं। हमने ऐसा क्या पाप किया कि आचार्य जी हमसे इतने नाराज हो गए, और वो भी आज के दिन। हेलो हेलो मंजीमा, आप कल ही बोल रहे हैं? कैसे हो सना? हम ठीक हैं। हैप्पी एनिवर्सरी मंजीमा। थैंक यू। भाग्य पापा को फोन दीजिए ना। आचार्य जी कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं सना। आज भी काम? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना आपका उनसे? नहीं कली, शादी के इतने वर्षों बाद झगड़े थोड़ी ना होते हैं, बल्कि एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं। ठीक है, हम और युग शाम को आपसे मिलने आएंगे। पार्टी तो बनती है ना, आखिर दोबारा मिलने के बाद ये आप दोनों की पहली एनिवर्सरी है। अच्छा ठीक है, आ जाइएगा। शाम को मिलते हैं। ओके बाय। मंजीमा कुछ उदास लग रही थी। शाम को बात कर लेंगे, अभी कपड़े भी तो धोने हैं। हैप्पी एनिवर्सरी बाबा। हम आपको विश तो नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम हम लड्डू तो खा ही सकते हैं। गोरी दीदी, गोरी दीदी, क्या है? वो जो चादर जहाँ रखे थे ना, वहाँ नहीं है। अरे तो इस मौसम में तुझे चादर की क्या जरूरत है? What? इसका मतलब कपड़े धुलने में गए हैं और कपड़े धोती है? जाओ, तुम मुझसे जाकर बातों में उलझाओ, हम कुछ सोचते हैं। जाओ। अरे दीदी, आप काहे तकलीफ ले रही हैं? हम हैं ना, हम धो देंगे, आप जाइए। नहीं बिजली दीदी, हमें आदत है। ओए माँ, ये क्या है? क्या है? ये कपड़े का जो रंग छूटेगा। नहीं बिजली दीदी, हम इस कपड़े को पहले भी धो चुके हैं, ये रंग नहीं छोड़ता। हम कह रहे ना कि कपड़ा रंग छोड़ेगा। आइए आइए आइए, हम बताते हैं आपको। वो कहा है ना कि हमारा जो गांव था ना, वो घर के बगल में धोबी घाट है, तो हमको पता है कि रंग छोड़ेगा ही छोड़ेगा। दीदी आप कंफ्यूज हो रही हैं। वो कोई और फैब्रिक होगा, ये वो फैब्रिक नहीं है, ये कलर नहीं छोड़ता, हम पहले भी धो चुके हैं इसे। चलो अब ये कपड़े तो धुल गए, हम बाकी के कपड़े धो देते हैं। माँ,
अगर ये मशीन चल गई तो गौरी दीदी तो राम नाम सत्य हो जाएंगी। रुके, अब क्या हुआ दीदी? कहाँ है गरीब के पेट पे लात मार रही है? ऐसा क्या कर दिया हमने दीदी? हम तो ना हमारी नौकरी मत छीनिए। ये कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब हमारा काम है। आप ये सब करेंगी तो इतना बड़ा घर में हमारी क्या जरूरत है? आप चिंता मत करिए बिजली दीदी, कोई नहीं छीनेगा आपसे आपकी नौकरी। हमें तो आदत है और हमें अपना काम खुद करना बहुत पसंद है। ठीक है, एक मिनट। अम्मा जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आप इस बेकार के काम में अपना समय खराब कर रही हैं। जाइए देखिए उनको। नहीं, हमारा मतलब है कि अम्मा जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। आप जाइए देखिए ना अपनी सासू माँ को। सचमुच दादी जी ने कुछ खाया नहीं है? नहीं, हम जाकर उन्हें मनाते। आप ये कपड़े धो देंगी? हम तो कह ही रहे हैं, आप जाइए ना, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। आ जाइए जाइए। अगली बार से अगर ऐसी गलती की ना तो इस वॉशिंग मशीन में अंदर तुम्हें ही डाल के तुम्हें नानी, परनानी, लड़क नानी, सारी नानियां याद दिला दूंगी, समझी? सारी दीदी। शट अप, सारी की बच्ची। लाओ। रहती दादी कमरे में और तैयार होने आ जाती है। क्या कहा? हमें कोई शौक नहीं इस कमरे में आने का। तो दादी वहां तैयार हो रही थी अपने कमरे में, इसीलिए यहां आ गई। क्या हुआ? आपसे मतलब हमें लगी है ना? दिखाओ तो सही। हमने कहा ना कोई जरूरत नहीं है, हमें लगी हम खुद कर लेंगे। अच्छा ठीक है, देख लेना, पर फिलहाल के लिए सीधी खड़ी रहो। हमने कहा ना हम खुद कर लेंगे।
मानता हूँ, मानता हूँ तुम खूबसूरत हो और बहुत खूबसूरत, पर मैं तुम्हारा आशिक हूँ, गुलाम नहीं। जी जी आपको मिल जाएंगे समय पर जी। जल्दी कीजिए भैया। चाचा जी शादी की सालगिरह मुबारक हो। हम आपका दुख समझ सकते हैं। आपके और पिशिमा के बीच में जो दूरियां हैं उसकी वजह उनका अंधा प्यार है ना कली के लिए, जिसकी वजह से आपकी लाडली प्रिंसेस एक नौकरानी बनकर रह गई। हम तो ये पार्टी भी अटेंड नहीं करना चाहते थे, पर पिशिमा ने इतना फोर्स किया क्योंकि कली और युग आ रहे हैं ना आज घर पे। जिसे जश्न मनाना है वो जश्न मनाए, लेकिन जब तक हमारी प्रिंसेस चौधरायन के घर में एक नौकरानी बन के जी रही है तब तक हम किसी भी जश्न में शामिल नहीं होंगे। चाचा जी पिशिमा चाचा जी तो भड़क कर निकल गए, अब क्या करें? पार्टी कैंसिल कर दें क्या? नहीं शर्मिला, पार्टी होगी। आप डेकोरेशन कैसी लग रही है? हमने खुद की है। डेकोरेशंस तो अच्छी हैं, पर कोट तुम्हारी नियत में। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चाचा जी और चाची जी में लड़ाई चल रही है और तुम मनाने के बजाय मजे ले रही हो। अच्छा तो आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? कभी खुद को देखा है? खुद तो इस घर में दबू चूजे की तरह रहते हो। हम ऐसे कायरों की तरह बिल्कुल नहीं रह सकते, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना आपकी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाने के लिए कर रहे हैं। मनाइए झा बाबू, अपना शादी का सालगिरह मनाइए, अपना सालगिरह मनाइए, अपना कुत्ता का सालगिरह मनाइए, अपना दोनों पनौती बेटियां हमारे गले में मोड़ दिए तो आसान। ये क्या है? ये तो कौवा का दाग है, पर ये चले? हाथ पे भी। चले? हम नहीं आएंगे, तुम जाओ। क्यों, क्या हुआ? ये देखो, ये तो रैशेस हो गए, जरूर कुछ खाया होगा आपने। क्या खाया? यहाँ उनका एक निवाला गोले के नीचे नहीं उतर रहा है, तुम कहो का का खाए? तुम तो बहुआ, जाओ अपने ससुराल में जाओ, मजे करो, जाओ। दादी आप नहीं आएगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी हम सब लोग जा रहे हैं, आप अकेले क्या करेंगे? अकेला अकेला नहीं रहेंगे, हम कह दे रहे हैं, काली को बोलो हमारे साथ रहे, हम अकेले नहीं रहेंगे यहाँ। दादी काली की मंजीमा और भड़के पापा की शादी की सालगिरह है, और सुबह से वो कितनी एक्साइटेड है, उसे कैसे मना करूंगा मैं? अपना दादी है ना। आप लोग जानते हैं कि झा परिवार के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि मंजीमा हमसे कितना प्यार करती है। हम वहां जाकर कोई कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते, हम यहीं रहेंगे, युग दादी जी की सेवा करेंगे। आई नो युग की तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करते, पर
हमने जो गलतियां की है उसके लिए हमें एक मौका दे दो प्लीज। ठीक है, दिया तुम्हें मौका, पर याद रखना अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। गड़बड़ की जिम्मेदारी तो हमने ले ली, पर यहाँ गड़बड़ थोड़ी होने वाली है, यहाँ तो आज बवाल होगा। आज के बाद या तो हम इस पार या उस पार।